हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट स्टोरी 4 मार्क्स का प्रश्न आता है वो मैं आपको तीन ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2019 में आने के 100% चांस है, प्लस आपको इनका आंसर भी समझाऊंगा ताकि ये तीन प्रश्न आप ये वीडियो देखते देखते तैयार हो जाए। तो अगर अब तक कहीं भटक रहे तो सब्सक्राइब करो शुभम कासे चैनल को और उस बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे आपको क्लास 12 के आने वाले सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देख लो सभी प्रश्न यार शॉर्ट स्टोरी से लिए गए और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, पहला प्रश्न है 18-17-15-12-09, 5 साल आ चुका है। What were शंकु problem and how did he plan to solve them? मतलब शंकु की क्या समस्याएं थी और how did he plan to, और उसने क्या प्लानिंग बनाई उन समस्याओं से निजात पाने के लिए। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे यार, देखो जरूरी नहीं है आपको जो बुक में है वही लिखो, ठीक है? आप अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हो। तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, आप कोशिश करना खुद से बनाकर, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ उसको भी लिख सकते हो, ठीक है? शंकु वॉज अनेबल टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली ड्यू टू हिज सैलरी, मतलब उसकी सैलरी बहुत कम थी शंकु की, जिसकी वजह से वो अपने घरों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था और अपने घर वालों की ख्याल नहीं रख पाता था। ही ऑल्सो हैड टू रिटर्न द मनी ही हैड बोरोड फ्रॉम मैनी पीपल, उसको पैसे भी उधारी देने थे जिससे उसने उधार लिया था, ठीक है, पिछले टाइम में। ही प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब उसने इस समस्या दोनों समस्याओं से निजात पाने के लिए ही प्लान, उसने प्लान बनाया बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंग्लिश इंजीनियर इन हिज ऑफिस, उसके ऑफिस में जो इंग्लिश इंजीनियर थे उनका गोल्ड वॉच चुरा कर ये वो उन सभी समस्याओं से निजात पाना चाहता। तो क्लियर हो गया, शंकु की सैलरी उतनी नहीं थी जिससे वो अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर सके, और उसने बहुत पैसे उधार भी ले लिए थे जिसके कारण उनका उधार भी चुकाना था, बोरोड फ्रॉम मनी मैनी पीपल, एंड ही प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंग्लिश इंजीनियर इन हिज ऑफिस, और जो उसके ऑफिस में इंग्लिश इंजीनियर थे उनका वो घड़ी गोल्ड वॉच चुरा कर इन सभी समस्याओं से निजात पाना चाहता था। तो आपको बस यही सिंपली इस क्वेश्चन में लिख देना है, अगर आप इनको अपने वर्ड में लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपके पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर, मतलब एस्ट्रोलॉजर ने अपनी वाइफ से क्या बोला डिनर के बाद, करने के बाद, ठीक है, रात का जो डिनर होता है उसके करने के बाद एस्ट्रोलॉजर ने अपनी वाइफ से क्या बोला। 18, 17, 15, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरी के, तीनों जरूर तैयार कर लेना यार, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन को मैंने लास्ट 10 ईयर के बोर्ड के पेपर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आपको छाट कर मैंने इसका आंसर लिखा हूं, ताकि आपको अच्छी से तैयारी हो सके, कम समय में आप ज्यादा मार्क्स पा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, दीज वर्ड्स वर सेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, मतलब डिनर करके आया या डिनर करने के बाद उसने अपने पत्नी से क्या बोला। दिस वर्ड वॉज सेड बाय द एस्ट्रोलॉजर टू हिज वाइफ, मतलब उसने अपने पत्नी से क्या बोला। ही कॉन्फेस्ड दैट ही हैड अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब उसने उसको बताया कि उसने मर्डर किया है। हिज फ्रेंड, मतलब उसने अपने फ्रेंड का मर्डर किया है। गुरु नायक एंड ही हैड कम टू हिम एज कस्टमर डेट डे, और वो उस समय उसका मर्डर किया जब गुरु नायक उसके यहाँ कस्टमर बनकर आया था, ठीक है? तो व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर, दोस दीज वर्ड वर सेड बाय द एस्ट्रोलॉजर टू हिज वाइफ, ही कॉन्फेस्ड दैट ही हैड अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब उसने बोला कि उसने मर्डर किया है अपने फ्रेंड का। गुरु नायक एंड ही हैड कम टू हिम एज ए कस्टमर डेट डे, एंड उस दिन उस पे जिसका वो मर्डर किया उस दिन वो उससे कस्टमर बनकर आया था। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट, आपको बताना है कि कंडीशन बताना है लड़के की, बच्चे की, जो जब उसने अपने पेरेंट्स का साथ छोड़ दिया था। यह क्वेश्चन 18, 16, 14, 13, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द चाइल्ड स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स, मतलब जो लड़का खोया था वो इधर उधर भागने लगा, दौड़ने लगा और अपने पेरेंट्स को खोजने लगा, सर्च करने लगा, ठीक है, कि मेरे माता पिता कहाँ है। ही क्राइड बिटरली, वो धीरे धीरे रोता, एंड टीयर्स रोड डाउन ही चीक्स, मतलब उसके गालों पर आंसू आ गए थे और वो धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर दिया था। फिर नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे, ही वॉज अनकॉन्सोलेबल, अनकॉन्सोलेबल मीन्स होता है बेहोश। मैंने इसका वर्ड मीनिंग इसलिए लिख लिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इसका मीनिंग भी समझ जाओ और आपको ये आंसर भी तैयार हो जाए। तो अनकॉन्सोलेबल मीन्स होता है बेहोश। ही वॉज अनकॉन्सोलेबल एंड रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग, मतलब अब बेहोश हो गया था और वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, और वह कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसके पेरेंट्स सच में खो गए हैं। तो ये क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट, द लास्ट द चाइल्ड स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स, he cried bitterly and tears rolled down his cheeks, he was unconsolable
एंड रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग। ठीक है, क्लियर है? ये तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट स्टोरी के। मैंने प्रोज के भी चार क्वेश्चन कल बताया था, डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रश्न बता दूंगा जिससे आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हो। तो अगर आप तक कहीं भटक रहे हो तो सब्सक्राइब करो शुभम क्लासेस चैनल को और उस बेल नोटिफिकेशन दबाओ जिससे आपको क्लास 12 के आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। मैंने इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।